शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग, जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। दूसरा है बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स का मतलब कि आजकल लोग कोविड पॉजिटिव हुआ तो ब्लड टेस्ट कई करा लेते हैं, अपना CRP देख लेते हैं, ब्लड CBC देख लेते हैं, डी डाइमर देख लेते हैं, LDH देख लेते हैं, फेरेटिन देख लेते हैं। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको माइल्ड इलनेस है, होम आइसोलेशन पे हैं, अगर आपके सैचुरेशन ठीक है और कोई और लक्षण नहीं है, बुखार भी ज़्यादा नहीं है, तो इन सारे बायोमार्कर्स का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पैनिक रिएक्शन ही ज़्यादा होगा। ये सारे बायोमार्कर्स एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब अगर आपके बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये बढ़ेंगे। अगर आपको फिंसी हुई, कोई जख्म हुआ, दांत में इन्फेक्शन हुआ, तो भी ये सब बायोमार्कर्स बढ़ेंगे, क्योंकि एक बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। तो इससे ये नहीं पता चलता कि आपकी बीमारी जो है वो बढ़ गई है। लोग ये घबरा जाते हैं कि मेरा CRP बढ़ गया इसलिए अब मुझे स्टीरॉयड शुरू कर लेना चाहिए, और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूँगा कि चाहे वो बायोमार्कर्स हों, चाहे CT स्कैन हो, माइल्ड केसेस में उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है, और अगर आपको ये कराना है तो डॉक्टर की सलाह से जब आपको मॉडरेट इलनेस हो तभी कराएं, और ये समझें कि इसका नुकसान भी हो सकता है और अननेसेसरी बायोमार्कर्स की रिलायंस के कारण ओवर ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि बायोमार्कर्स कैन बी मोर हार्मफुल। CT स्कैन तभी करना चाहिए अगर उसकी इंडिकेशन हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर 3 दिन बाद CT करा रहे हैं, और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इससे नुकसान ज़्यादा है। आप अपनी बॉडी को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं जो बाद में नुकसानदेही हो सकता है।